अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उमर अख्तर फ्रॉम स्टॉक्स एंड इक्विटीज डॉट कॉम डॉट पी के। टुडे इज़ दिसंबर 16, 2020 और काइंड ऑफ अ फ्लैट सेशन एट द एंड। हमने इंट्राडे में मार्केट को 300 प्लस भी देखा, कुछ देर के लिए मार्केट नेगेटिव भी गई बट इट रिकवर्ड एंड फाइनली आपके के सी 100 इंडेक्स ने आपको 0.25% का गेन, 109.35 पॉइंट्स, and it closed on 43,360.19 today. आपका volume 252.47 million shares का था आज। ये है कि एक तो ये this was expected। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो हम चाह रहे थे कि हम correction हो। आपके कल के भी आपने देखा होगा कि हमने आपको जो foresee किया था कि हमने यही कहा था कि market आपकी green start होगी, मगर eventually वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी और आपकी काइंड ऑफ अ फ्लैट सेशन हो। सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे टू। और आपका के सी 100 इंडेक्स कल भी आपका मेयरली काइंड ऑफ सेम वैल्यू, सिर्फ 15 पॉइंट्स के नेगेटिव हुआ। कल का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, 400 प्लस मिलियन का वॉल्यूम था। अब ये है कि हमारे पास काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो एक फैक्टर था काइंड ऑफ डिमिनिश हुआ है। कोविड 19 की भी सिचुएशन सॉल्व होती हुई नज़र आती है। कल हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी इंडेक्स आया विच वाज एक्चुअली बेटर रीडिंग एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस भी सस्टेन, ब्रेंट क्रूड $50 से ऊपर ही सस्टेन हुआ है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम आई चेक्ड $50.84 पर बैरल। थिंग्स बेटर और मेरे ख्याल में जो अभी हम ये जो चीज रेंज बाउंड सेशन और फ्लैट सेशन जो हम देख रहे हैं, दिस इज मोर हेल्दी, दिस इज वेरी हेल्दी, ताकि हमारा इंडेक्स आगे का मोमेंटम रख सके। इससे पहले कि आज का हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, हम सेक्टर्स को देख लेते हैं। सिंथेटिक एंड रेयन जो था सबसे ज़्यादा बाय परसेंटेज ऊपर रहा। उसके बाद आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 2.16%। मेरे लिए ये सेक्टर बड़ा एक होप मुझे देता है, अगर आप मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वो इस सेक्टर में वो जॉइंट जायंट्स हैं जो हमारे इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये वो जायंट्स हैं जो हमारे इंडेक्स को मे बी 50,000 लेवल तक जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और इसमें जो OGDC और PPL हैं, मैं आपको चीज़ तो पहले ही मैं शायद पहले भी अपनी कई दफ़ा वीडियोज में मैंने आपसे जिक्र किया हो कि एज कम्पेयर टू इंडेक्स वैल्यू ये अभी अंडर रेटेड है। मेरे ख्याल में बड़े क्लियरली अंडर रेटेड है, अंडर वैल्यूड है। और एज पर देयर अर्निंग्स भी ये अभी इनकी प्राइस टू अर्निंग बड़ी कम है। ये मैं एक फंडामेंटल बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। अब ये बात ये है कि ये कब तक चलते हैं, ये मार्केट में कब तक परफॉर्म करते हैं, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और दे आर काइंड ऑफ कोरिलेटेड विद क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर वो रिकवर होती हैं तो इनकी भी प्राइस रिकवर होगी और ऑब्वियसली ये शेयर हमारे उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये मेरे ख्याल में जो सीमेंट सेक्टर, जो बाकी सारे सेक्टर हैं अपने हाइस पे पहुंचे हुए हैं, मगर ये सेक्टर इसके स्क्रिप अभी तक नहीं पहुंचे। इसके बाद आपका केमिकल था 1.03%, फर्टिलाइजर 0.79% से ऊपर रहा। टबैको वॉज ऑल्सो इन ग्रीन, आपका कमर्शियल बैंक्स ग्रीन में। कोई मेजर आपका रहा तो फूड एंड पर्सनल केयर नेगेटिव में रहा, सीमेंट नेगेटिव में रहा, रिफाइनरी आज नेगेटिव में रहा। अब स्टार्टिंग विद अवर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो जो आपका के सी 100 इंडेक्स है दैट्स क्लियरली बुलिश फॉर नाउ। डिस्पाइट आपका कल और आज का सेशन जो काइंड ऑफ फ्लैट ही है, हमें इतनी कोई अच्छी अप्रिसिएशन नहीं मिली, मगर बड़ा क्लियरली अभी भी बुलिश है। और अगर ये नेगेटिव भी हो जाता हमारा सेशन तो हमारे इचिमोको को आई बिलीव कुछ नहीं होना था। ये मैंने आपसे पहले भी बात जिक्र की, मेंशन की हुई अपनी पिछली वीडियो में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू जो है डैट इज़ ऑन 73 की वैल्यू पे है, अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, या अपने ओवरबॉट को, बल्कि 70 इसका ओवरबॉट होता है, ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। मगर जब ऑब्वियसली जब एक एक हमारा इंडेक्स अगर बुलिश ड्राइव में जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो द पॉइंट इज कि इसने अपने ओवरबॉट लेवल पे जाना है, मगर कहाँ पे जाके इसने करेक्शन लेनी है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं आपको 3 साल की अगर मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूँ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसने जब लास्ट टाइम 3 साल, दैट वॉज बैक इन अप्रैल 2018, जब इसने 46,000 और 800 का हाई लेवल मेरे ख्याल में टच किया था हमारे, बल्कि 47,000 का टच किया था हमारे के सी 100 इंडेक्स ने। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी मार्केट 45,000 टू 47,000 तक जा रही है बड़े आराम से, अगर मेरी ये एक्सपेक्टेड है और मार्केट में भी यही बात हो रही है, तो आपका RSI उस टाइम जब 47,000 पे, दैट वॉज इन
अप्रैल 2018 उसने अपनी आरएसआई की वैल्यू दी थी 80 80 की वैल्यू दी थी। आज के इसके इसके जो वैल्यू है डेट इज 73। आई थिंक कि ये अपनी 80 की वैल्यू पे जा सकता है और वहीं पे जाके इसका फर्दर रिटर्न बनेगा या आपकी करेक्शन आएगी। ये जेन में रखिए तो मुझे लगता है कि 46,000 के लेवल को टच करने के लिए इसका बड़ा इसके पास काफ़ी मार्जिन है। मैं यहाँ पे एक और आपसे आज इंडिकेटर ज़रूर मैं करूँगा। मैं कई दफ़ा आपसे पहले भी ये शायद एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स मैंने आपके साथ शेयर किया हो। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की आज की वैल्यू इज 25। अगर ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये अपने लोएस्ट से ऊपर जा रहा है और जब ये अपने 25 से ऊपर चला जाता है तो ये अब इसको कंफर्म कर रहा है बुलिश ट्रेंड को। 25 से ऊपर से वैल्यू का मतलब ये है कि जो ट्रेंड है दैट इज बुलिश, इट्स कंफर्म्ड। और अब आगे जितनी वैल्यू इसकी बढ़ेगी एडीएक्स की वो उसकी फर्दर उसके उसके ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग कर रही होगी, बता रही होगी कि उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक सो इस वैल्यू ने फर्दर और भी बढ़ना है और ये अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको उसी पॉइंट हिस्टोरिकल पॉइंट पे आपके साथ दोबारा उसी जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं हिस्ट्री में 2018 अप्रैल का हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं उस टाइम जो आपकी एडीएक्स की वैल्यू थी वो सेम है जिस दिन आपके आरएसआई की वैल्यू हाई थी। इट वाज अराउंड 35 टू 40 आपकी एडीएक्स ने अपनी वैल्यू दिखाई थी। मेरे ख्याल में एडीएक्स की भी वैल्यू 35-40 तक हमें जाते हुए नज़र आती है उस दफ़ा और आपकी आरएसआई की वैल्यू भी 80 तक जाते हुए नज़र आती है। मेरे ख्याल में जो कोई अगर आप मेजर करेक्शन देखते हैं या कोई रिटर्न देखते हैं मार्केट का तो उस टाइम पे बन रहा होगा। फिलहाल मुझे ये नज़र नहीं आता कि मार्केट में किसी किस्म की कोई मेजर करेक्शन लेनी है। अगर लेनी भी है तो इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी करेक्शन होगी। एट टाइम्स करेक्शन का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि मार्केट आपकी रेड में ही हो। एट टाइम्स करेक्शन इस तरह भी होती है कि आपकी मार्केट ने फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा ग्रीन गेन किया और वो सारा ग्रीन रिवर्स होकर आपकी मार्केट फ्लैट होगी। यू कैन कंसिडर दैट एज अ करेक्शन टू। ओवरऑल लाइक आई सेड आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। बोलिंजर बैंड्स मैं आपको बताऊं तो ये वाइडन भी हो रहे हैं, अपर बैंड में भी है। सीम्स लाइक ये वाइडन हो रहे हैं तो ये गैप बना रहे हैं ताकि आपका मार्केट आपका इंडेक्स फर्दर ऊपर जा सके। अगर ये वापस भी आते हैं तो कोई छोटी मोटी करेक्शन है जिसको फर्दर एडजस्ट करेगी और विच इज़ हेल्दी। मैं आपसे कहता हूँ स्टॉक हैस्टिक अपने अवर बॉट लेवल पे मगर क्रॉसिंग में चल रहा है और यही इंडिकेट कर रहा है कि ये यहीं पे अपने आप को मेंटेन कर रहा होगा ताकि विद टाइम ये भी वैल्यू एडजस्ट और दे इट कैन फर्दर कैरी इट्स बुलिश मोमेंटम। एमएसीडी बड़ा क्लियरली बुलिश है। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अवर बॉट पे है मगर अपने हाई से नीचे आया हुआ है और एडजस्टेड काफ़ी, इसने आपको अपनी एडजस्टमेंट ली हुई है। हम केएससी ऑल शेयर को भी देख लें तो केएससी ऑल शेयर भी मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही क्लियरली बुलिश अपने जोन में चला गया है। इसकी जो रेड लाइन जो क्लाउड में थी हमारे पिछले सेशंस में अब जा चुकी है। इसका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 75 पे है और जो स्टॉक हैस्टिक है वही सेम बिहेवियर एस के सी 100 इंडेक्स एक क्रॉसिंग मैनर और उसमें चल रहा है। मैं कुछ कमेंट्स मेंशन करना चाहूँगा। हमें जो है तोकीर अकबर साहब ने कहा कि सर काइंडली मेक वन वीडियो ऑन द इंडिकेटर्स सो बिगिनर्स कैन अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर ऑल्सो थैंक्स। मैं आपसे तोकीर साहब इंशाल्लाह हम बहुत चीज़ें प्लान कर रहे हैं। हम आपसे इवन एक अपनी एक विनिंग स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। हम ये सारी वीडियोस बनाएंगे और ऑब्वियसली दीज आर इन पाइपलाइन। मोहम्मद फवाद साहब कह रहे हैं थैंक्स बेस्ड ऑन योर एनालिसिस द सोल मेजर ऑफ योर पोर्टफोलियो इन सेकेंड टाइम एंड आफ्टर दैट मार्केट गोज डाउन। थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं कहता कि मेरी प्रिडिक्शन हमेशा सही होती है। आई कैन जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया और मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ। मैं आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट एक जर्नल एनालिसिस ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके, एक बेसिक चीज़ मिल सके। हमसे एक और साहब शरीफ साहब पूछ रहे हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है। दिस इज कैपिटल स्टेक। हमसे कई लोग सवाल करते रहते हैं कैपिटल स्टेक है। द कॉस्ट इसकी कॉस्ट भी है आपको मिल सकती है मगर ये एट टाइम्स आपके कई जो हमारे रेनाउंड ब्रोकर हैं वो भी आपको ऑफर कर रहे होते हैं इन 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 योर ट्रेड कास्ट या जिसको आप किट्स कहते हैं। हम आज का अगर अपना सेशन कंक्लूड करें तो बोलिंजर बैंड्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा। वो अपने अपर बैंड पे है, अवर बॉट पे है और उसको करेक्शन चाहिए। इचिमोको बुलिश है, एमएससीडी बुलिश है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज ऑल्सो न्यूट्रल, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज न्यूट्रल क्योंकि वो भी अपने अवर बॉट पे है मगर फिर भी उसके ऊपर काफ़ी उसका क्वेश्चन है।
स्टोकहैस्टिक इज अबाउट, वो भी इसको मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। देखिए मार्केट इज बुलिश ऑब्वियसली, मगर काफ़ी इसके इंडिकेटर्स अबाउट में है, बीच में आपको रेंज बाउंड सेशन या करेक्शन वाले सेशंस मिलेंगे। मुझे लगता है कि मार्केट हमें हमें 46,000 का लेवल दिखा देगी। आपकी एवरेज ट्रू रेंज इज 490 पॉइंट्स, विच शोज कि आपके इतने दिन की एक इतनी पॉइंट्स की वॉलिटिलिटी, आपका एक दिन में आपकी KC 100 इंडेक्स मेंटेन रख रहा है। सपोर्ट फॉर टमोरो इज 43,014, उससे नीचे जाता है तो 42,779 और उससे नीचे 42,431। आपकी मार्केट ग्रीन होती है तो 43,598 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड इज 43,945 एंड थर्ड इज 44,188। डिस्क्लेमर अगेन एट द एंड, मैं आपको किसी किस्म के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं दे रहा, दिस इज जस्ट अ जनरल एनालिसिस। काइंडली अपना ख्याल रखिए, आई होप यू मेक मोर मनी, आप इस बुलिश रैली में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।